हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। जो थर्मोकोल होता है, जो कि कुछ इस तरीके की शीट्स होती हैं, ये आपको पता है नॉर्मल यूज आता है, बच्चे इससे प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाते हैं और भी बहुत चीज़ों में यूज आता है, बहुत हल्का मटेरियल होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये थर्मोकोल जब पेट्रोल के साथ में रिएक्ट करता है तो बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, और आज हम आपको वही कमाल की रिएक्शन दिखाने वाले हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं पता होगा कि भाई ऐसा होता है इस चीज़ के साथ में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग तो नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना यार, आपके लाइक से हमको काफी सपोर्ट, काफी मोटिवेशन मिलता है कि बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते रहें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास में पेट्रोल, जो कि नॉर्मल पेट्रोल है, आपकी हमारी बाइक्स में डलता है। इसको फटाक से सबसे पहले तो डालते हैं गिलास के अंदर। तो भाई मैं इसको फटाक से डाल देता हूं और आप लोग देखना ये क्या कमाल करने वाला है। एंड भाई ये जो पेट्रोल है ना, बहुत आग पकड़ सकता है, तो प्लीज बी सेफ यार, मेरे को थर्मोकोल दो। तो यहां पर हमारे पास में थर्मोकोल सीट, फटाक से एक ऐसा टुकड़ा काटते हैं जो इसमें जा सके। तो अब मैं इसको डाल रहा हूं भाई पेट्रोल में। एंड गाइज, आप लोग देख रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, कि मैंने जो पूरी स्ट्रिप है वो भाई साहब पेट्रोल में डाल दी एंड गॉन, कुछ नहीं बचा इसमें। मतलब चलो बड़ी वाली स्ट्रिप है, पूरी स्ट्रिप दिखाना और देखो ये कितना फास्ट जा रही है इसमें। अरे वाह यार, देखो जरा, ओ भाई साहब, मतलब पेट्रोल जो है इसको पी जा रहा है और इसके अंदर कुछ नहीं बच रहा, थोड़ा सा कुछ मटेरियल नीचे जाके जम रहा है, पूरी शीट खत्म। तो भाई इस बार मैंने मोटी शीट ली है, देखो इतना सारा यहाँ पर स्टायरोफोम है, इतना सारा थर्मोकोल है। तो ये गया भाई पेट्रोल में, देखो कितना लंबा है ये। गाइस क्या बात है मतलब इतनी बड़ी शीट, बूम। तो यार गाइस, इस बार कुछ बड़ा करते हैं, काफी बड़ा मैंने पीस लिया है। अब ये देखना होगा कि क्या इसको भी पेट्रोल डिसॉल्व कर जाएगा, उसके लिए हमको चौड़ा बर्तन चाहिए। तो यहां पर पेट्रोल रेडी है और मैं इसको फटाक से डालता हूं इसमें। एंड भाई साहब, यहां पर आप लोग देख ही सकते हो कि ये इसमें जाना स्टार्ट हो गया है। तो भाई अब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और यहाँ पर ये ख़त्म हो चुकी है। गाइज, इस बार ये बड़ा वाला थर्मोकोल है जो कि पैकिंग में यूज़ आता है, आई थिंक इसमें कोई एलईडी आई होगी। तो यहाँ पर भाई साहब ये भी इसके साथ रिएक्ट करने लगा है और ये भी नीचे जा रहा है इसमें। और भाई साहब यहाँ पर ये थर्मोकोल भी देखो पूरा का पूरा इस पेट्रोल में। और भाई इसके अंदर जो चीज़ बनी है वो भी यार एकदम अजीब सी ही चीज़ है। मतलब मैं सही बताऊँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हलवा हो या कुछ ग्लू जैसी चीज़ लग रही है। तो भाई इसका ग्लू टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस मटेरियल को डाल रहा हूँ एक लकड़ी के ऊपर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सूख जाने देते हैं ताकि पेट्रोल उड़ जाए और फिर इन दोनों लकड़ियों को आपस में चिपका देंगे। और भाई साहब ये वास्तव में बहुत ज्यादा हार्ड इसको चिपकाता है यार, और ये बना है सिर्फ थर्मोकोल को पेट्रोल में डालने से भाई साहब, और आप दोनों फेसेस को भी देख सकते हैं यार, कमाल की चीज है। तो भाई इस बार हमने काफी सारी लेयर जमा ली है, पेट्रोल को फटाक से खोलते हैं और ऊपर डालते हैं इसके और देखते हैं कि क्या ये आर पार जा पाएगा। तो भाई साहब ये लो, और ऊपर से दिखाओ, ऊपर 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 ऊपर, ओ भाई यहां पर देखो आप लोग, ओ मैन, अरे वाह, आर पार छेद हो चुका है देखो मतलब भाई साहब पूरा खत्म, अरे वाह। तो भाई साहब आप लोग देख ही सकते हो कि किस तरीके से पेट्रोल रिएक्ट करता है थर्मोकोल के साथ में। तो अगर आपको इस रिएक्शन में मजा आया
कुछ नया देखने को मिला तो लाइक जरूर से कर देना। आपको अगर ये पता है कि ऐसा क्यों होता है तो मुझे जरूर से कमेंट्स में बताओ यार, मुझे एक्चुअली में इसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता। तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।